के जीते जी पूरा नहीं कर पाए। और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर हम सभी लोग इस लेवल का सेंटर नहीं तैयार करें जिसे इंटरनेशनल सेंटर कहा जा सके, या भारत का ऐसा सेंटर कहा जाए जैसा कि आरएसएस लोगों का है। आरएसएस ने जो संपूर्ण मांग में जो 40 घंटे का आ गया है उसमें जो सारी बातें हैं टुकड़े टुकड़े में पर डे समाज को आईटी सेल के माध्यम से पहुंचाए जाए। अगर मैं आपकी बात एक लाइन में कंप्लीट करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन है घर घर तक कैसे पहुँचाएगा? बिल्कुल, एक बात तो कम्प्लीट होगी। मुझे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए इसका बजट क्या है? इसका बजट वैसे 10 करोड़ का है। 10 करोड़ है। पैसा सरकारी कर्मचारियों से लिया जाएगा या अन्य लोगों से भी लिया जाएगा? फंडिंग कैसे होगी 10 करोड़ की? इसकी फंडिंग बाबा साहब अम्बेडकर के जितने फॉलोअर हैं, जितने बुद्ध साहु के फॉलोअर हैं, सबके 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 1 लाख 10 लाख उन्हीं के ही सहयोग से इसको बनना है, चाहे वह देश में है चाहे वो NRI साथी हैं, सबके सहयोग से। इस जो आपने बताया है इसको कोई संगठन बना रहा है, ट्रस्ट बना रहा है? जी, कल को इन फ्यूचर आप भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं, चलेगा कैसे? ये फंडिंग कहाँ से होगी? ये बहुजन बोधी समाज संघर्ष समिति के नाम से बन रहा है और जो रजिस्टर्ड संस्था है वो उसी के नाम से जमीन की रजिस्ट्री भी होती है और उसी के नाम से ये सेटअप डेवलप होगी और इसके हुए कि इसके प्रॉपर कार्यकारिणी का गठन भी है और इसमें यह है कि कार्यकाल जो होगी कार्यकारिणी का 2 साल का होगा। और जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जब सारे इंस्टीट्यूट जैसे चलते, जैसे यूनिवर्सिटी चलती है, जैसे कॉलेज चलता है, जैसे संगठन चलते हैं, ठीक उसी तरह से मैनेजमेंट, क्योंकि व्यक्ति तो आएगा जाएगा लेकिन संस्थाएं अमर होती हैं। क्या रजिस्ट्री हुई है अभी तक या अभी? नहीं नहीं, रजिस्ट्री 4 रजिस्ट्री हो चुकी है। कब तक तैयार होगी रजिस्ट्री कम्प्लीट? हम समझते हैं कि जो आपने बता रही है कब तक तैयार हो पाए? ये पूरा सेटअप सिस्टम तैयार होने में 5 साल का टाइम लगेगा। 2025-26? हाँ, 5 साल लगेगा। 5 साल लगेगा? जी जी। तो इसमें कुछ भिक्षुओं के ट्रेनिंग के सेंटर या मतलब जैसे आपने मीडिया का बताया, धर्म का बताया, अर्थ के बारे में बताया, क्या बाबा साहब का अंतिम सपना था कि भारत बौद्ध में हो? और मैं जितना समझ पाया हूँ कि ये क्यों नहीं हो पाया, जब उसमें हम चिंतन मनन करते हैं पता चलता है कि हमारे देश के अंदर प्रशिक्षित बौद्ध भिक्षु नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा भी प्लान है कि बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षित? बाबा साहब अम्बेडकर, पहली चीज़ है कि ये बड़ा हम लोगों का गलत फहमी है। हम लोग ये सोचते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बौद्ध भिक्षु करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर अच्छे भिक्षु तो होने चाहिए ना? बात अच्छे भिक्षु सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है। बात ये कंटिन्यू फील्ड में उनको घर घर जा करके, गांव गांव जा करके बात को बताने की जिम्मेदारी ये उपासक की भी है। एक उपासक यदि आज मैं बताऊं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बुद्ध ने कहा है चलत भिक्षुचार कम भोजन इता भोजन सुखाय, भिक्षु को चलता रही जब मैं मठाधीश हो गए भिक्षु। बात भिक्षु का नहीं है, चूंकि बात हम किसी पर आरोप नहीं करें, केवल हमारी ड्यूटी है, ये जो उपासक लोग हैं इनकी ड्यूटी है कि ये अपना कार्य करें। अगर भिक्षु लोग नहीं करता है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया कि हमारे भिक्षु लोग जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं करते, उस पर बाबा साहब ने ऑलरेडी बोल चुके हैं। इसलिए हम सब उपासकों की जिम्मेदारी है कि हम लोग, बाबा साहब अम्बेडकर उपासक थे, बाबा साहब उपासक बन के कार्य किए, बहुजन नायक मानवर उपासक बन के काम किए, उसी तरह से हम लोग उपासकों की जिम्मेदारी है कि जो बौद्ध दर्शन है उसका प्रचार प्रसार करें, अपने साथियों में बताएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। कोई फंडिंग के लिए ऑनलाइन फंडिंग वगैरह करेंगे इसके लिए? अकाउंट नंबर है, सब लोग अपना ऑनलाइन भेजता भी है, कोई ऑनलाइन ज्यादा लोग, कोई चेक देता है, कोई ऑनलाइन देता है संगठन के नाम से। इसका बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, इसका अकाउंट एक्चुअल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाराणसी में है, लोग उसी से अपना IFSC कोड है, बैंक अकाउंट है, संगठन का नाम है, उससे लोग देता रहता है। अगर हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करें कि जो संगठन ये बन रहा है इसके लिए आप फंडिंग करिए, तो कोई एक अकाउंट नंबर आप हमें मुहैया करा दीजिए ताकि हम इसके नीचे चला। नहीं, बिल्कुल, अभी आपको उसका अकाउंट नंबर जो लोग चेक दे रहा है उसी चेक को आप अभी जो संगठन चला रहे हैं कितने लोग हैं इसमें शामिल? शामिल तो एक्चुअल में ये हम तो कर्मचारियों का संगठन चलाते हैं, लेकिन बहुजन बोधी समाज संघर्ष समिति उसका रजिस्टर, उसमें तो मेंबर्स बनाते लोग रहते हैं, आते हैं जाते रहते हैं, इसलिए इसकी संख्या अभी निर्धारित नहीं हो पाई क्योंकि ये सतत प्रक्रिया, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि इतने कर्मचारी होंगे इतने अधिकारी होंगे, इसमें तो संख्या आती जाती रहती है, अभी आज 10 है, कल 20 है, अभी 10,000 है, कभी 5,000 है, कभी 2,000 है। आप
आप जो संगठन का नाम आपने लिया, आप किस पद पर काम करते हैं? हम अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सरकारी कर्मचारी हैं जी? किस पद पर, क्या है? मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, इनकम टैक्स में कार्य करता हूँ। कहाँ पोस्टिंग है? इसमें मेरी पोस्टिंग इलाहाबाद में है जी। तो दोस्तों, आप बुद्ध मित्र मुसाफिर साहब हैं, बहुत सारे लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, सफलता बड़ी बात है कि उन्होंने कहा बुद्ध मित्र मुसाफिर साहब ने कि 2025 तक उनका लक्ष्य है कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर है बनकर के तैयार हो जाए, ताकि समाज को वो 2025 या 26 में समर्पित कर दें। तो हमारी शुभकामनाएं हैं और कोशिश करेंगे कि जो ऑनलाइन फंडिंग वाला मामला है, ऑनलाइन फंडिंग का जो अकाउंट नंबर है वो हम यहाँ रिलीज कर सकें, ताकि जो लोग इच्छुक हैं, पैसा देने के इच्छुक हैं, वो भी अपना पैसा इसमें दे सकें। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, मैनपुरी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।